बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाजिन, ये रहा नान जो पक चुका है, लेकिन अवाम इसको खाएगी तब जब ये सस्ता होगा, क्योंकि अब नान, खमीरी रोटी समेत अशय जरूरिया की जो 13 आइटम्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है रमजान की आमद से पहले। आज की टॉप स्टोरी में आप कीमतों के हवाले से जानेंगे कि रमजान की आमद से पहले ही अशय जरूरिया की कीमतों को पर कैसे लग जाते हैं और कीमतों में इजाफे के पीछे मुहरिकात क्या होते हैं, अवाम कितनी परेशान होती है, आया अवाम की तनख्वाहों में उनके जो कमा रहे हैं उसमें इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा ब्रायलर, सब्जी, दालें, चीनी, चावल, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आप तमाम चीज़ें जान सकेंगे। आइए प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आफताब गिल साहब को, जो कि मुतहदा नान बाई एसोसिएशन के सदर हैं। सर, आपने बहुत ज़्यादा पहले वावेला भी मचाया था कि हमसे रोटी सस्ती नहीं बेची जाती और बराह मेहरबानी जो रोटी है उसकी कीमत में इजाफा किया जाए, तो आप नहीं चाहते कि गरीब आदमी भी रात को पेट भर के दो रोटी खाए और सो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया जी। रोटी जो है वो बेसिकली हमने बढ़ाई नहीं है, उसकी कीमत तो अभी भी 6 रुपये है। अच्छा। और गरीब के लिए ये स्पेशल रिलीफ है, लेकिन रोटी जो बिल्कुल है, जो हमें सादा रोटी भी आजकल बिल्कुल वारा नहीं खा रही, उसका रेट कम से कम 10 रुपये होना चाहिए। अच्छा। सादा रोटी का, सादा रोटी 6 से बढ़ के 7 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो गैस है वो गवर्नमेंट के काबू में नहीं है। अच्छा। गैस के बिल 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं और आगे गर्मी है, आजकल हमारे पास गैस नहीं आ रही, अभी तक लोड शेडिंग है, गर्मी में भी लोड शेडिंग है, और हम LPG इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो एक्सपेंसिव किस पे पड़ेंगे। क्या वजह है? पाकिस्तान तो कुदरती गैस से माला माल है और सर्दियां तो दूर की बात, चले सर्दियों में तो बर्दाश्त कर लेते हैं, गीजर नहीं ऑन होता, गर्म पानी नहीं आता लोगों के घरों में, तो अब तो गर्मी कहर पड़ रहा है, सूरत सवा नेजे पे है और फिर भी गैस नहीं आ रही। इसकी वजह तो सुई गैस के जो मिनिस्टर है सरवर खान साहब, वही बेहतर बता सकते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, बल्कि उनको पूछा जाना चाहिए कि गैस के लिए क्या उन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाया। तो गैस जो है वो अभी तक घरों में भी बेसिकली नहीं आई जी, तंदूरों की तो अलग बात कर रहा हूँ। इतना बिल के हवाले से मुझे बताएगा, क्योंकि आपका जो असल रीज़न है, आपका बिल जो रोटी की कीमत है उसको बढ़ाने का असल जो मकसद है वो गैस है, तो बिल पहले कितना आता था कमर्शियल, आपका कमर्शियल मीटर होगा, और अब कितना बिल बिजली जो गैस है उसका बिल है? जी बिल जो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ये मेरे साथ सीनियर नायब सदर वहीद अब्बासी साहब हैं, ये आपको गाइड करते हैं कि हमारे पास पहले बिल कितना आ रहा था और अभी कितना आ रहा है। और उसके बाद बिल आ रहा है लेकिन गैस नहीं आ रही, असल बेसिक बिल आ रहा है और गैस नहीं आ रही, बस अब यहीं पे रुक जाइए जरा, यहाँ पे हमें आवाम भी ज्वाइन कर रही है साथ साथ। सामने को वालेकुम सलाम जी। रोटी होगी सस्ती और महंगी होगी जान, तो आपकी जान महंगी हो गई और रोटी सस्ती हो गई? हमारी जान की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। अच्छा। पता है क्या, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। अब बच्चे स्कूल में पास हुए हैं, खुदा की कसम भी, सच्ची कसम उठा रहा हूँ मैं, कि लोग रो रहे हैं कि उनकी है ना बुक कहाँ से लेके आए। वो तो गवर्नमेंट स्कूल में फ्री नहीं मिलती, कुछ नहीं मिल रहा, वो सबका हुकूमतों में मिलता था, अब प्रॉब्लम यही है कि अब हर चीज़ महंगी, मेडिसिन मिल रही है क्या? आपको पता है, आपने कई प्रोग्राम किए हैं कि कितना तड़प रहे हैं कि अब तो अल्लाह ताला हमें बीमार ना करे। अब ये देखिए, ये लोग हैं नान वाले, इन्होंने मिनिस्टरों के साथ इनकी कई मीटिंगें हुई हैं, इनको सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है, वजीर आजम साहब बैठे हैं, उस्मान बुज़दार ऐसा बंदा बिठा दिया जो पंजाब का, लाहौर का, और लाहौर तो मेरे ख्याल लावारिस हो गया है। अब देख लें सफाई का, देख लें कोई भी चीज़ उठा के देख लें, ये नाअहली की इंतहा कर दी है। पहले सफाई है ये नहीं है, बिजली है ये नहीं है, रोटी तो खा के सोनी है आप। बिल्कुल, रोटी के बगैर क्या गुजारा है? बच्चे तो मांगते हैं, अब जब हम घर जाते हैं ना, बच्चे हमारे हाथों की तरफ देखते हैं कि ये लोग क्या लेके आए हैं। अच्छा। कि वाली साहब या कोई बुजुर्ग घर जाता है कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, लेकिन हम कारोबार नहीं है, हम क्या पता नहीं क्या बनेगा। और लोग भी जमा हो गए हैं, उनका ओपिनियन भी ले लेते हैं, रोटी महंगी हो गई है, नान जो है वो महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि
मैं उस दिन टिकटॉक पे देख रहा था इमरान भाई को तो मच्छी खा रहे थे, लेकिन महंगाई इतनी कर दिया कि हम रोटी भी नहीं खा सकते। इमरान साहब टिकटॉक पे आ गए? टिकटॉक पे आ गए हैं, बहुत वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पे भी। अच्छा। और वो खुद तो मच्छी खा रहे थे। खुद बनाते हैं? हाँ जी। क्या उनके फैंस डालते हैं? हो सकता है फैंस डालते हो, लेकिन उन्होंने महंगाई इतनी कर दिया कि हम वो तो वजीर आजम है, मछली खा सकते हैं तो हमारा भी तो हक बनता है ना, हमने भी तो कुछ खाना है ना, आवाम को भी रिलीफ चाहिए कि वो भी कुछ खा। क्या कहेंगे वो मछली खाते हैं तो देख रहे होंगे इस वक्त आपको, क्या कहेंगे उनको? मैं उनसे यही कहूंगा कि कुछ खुदा का खौफ करें और थोड़ी सी महंगाई को कंट्रोल करें। जो आपने वादा किया था आवाम के साथ कि मुझे एक मौका चाहिए और मैं फिर कुछ गरीबों को तरस खाऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ तरस नहीं खाया। नान महंगा हो गया है, क्या आपका रद्द अमल है? बहुत जुल्म हो रहा है गरीब आदमी के साथ, कि हर आदमी की पहुंच से हर चीज निकलती जा रही है। जिस तरह के नान निकल रहा है, इसी तरह हर जरूरियात जिंदगी है जो गरीब आदमी की पहुंच से वो बाहर हो गया। लाहौरियों के लिए नान कितना जरूरी होता है सुबह के नाश्ते में? बहुत ज्यादा जरूरी है खाने के, वो नान के बगैर तो लाहौरिया खाना खाते ही नहीं है। हाँ जी, वही महंगा हो गया तो ये तो लाहौरियों के साथ जुल्म नहीं हो गया? जुल्म है, हद से ज्यादा जुल्म है ये तो। गरीब आदमी के एक वही तो खाने के लिए एक रोटी तो है, रोटी भी महंगी हो जाएगी तो वो क्या खाएगा? एसेंशियल आइटम है नान जनाब, जो लाहौरी हैं सुबह उनका जो सवेरा है वो नान के बगैर नहीं होता। गिल साहब आप क्या कहेंगे, नान कितना जरूरी है लाहौरियों के लिए? नान बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि सिर्फ नान ही महंगा नहीं हुआ, अब नान पे फोकस मत करें। अच्छा। दुनिया की हर चीज महंगी हो। आपसे तो नान की बात करनी है मैंने, आवाम जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोग्राम में इंतजार कर रही है। नान महंगा हो गया, 13 अशिया जरूरिया की चीजें जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया, क्या पैगाम है आपका? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, जो आवाम में बहुत तंग हो रही है इस चीज से। ठीक है, इमरान खान के जितने वादे थे सारे वो झूठे पड़ रहे हैं, झूठे हो गए। कैसे कह सकते हैं, काम तो कर रहे हैं वो, वजारतें भी चेंज कर रहे हैं। आज की आपने खबर देखी, कुछ वजारतें शफल हो रही हैं। क्या कहा आपने? वजारतें जो हैं, वजीर जो हैं, वो तब्दील हो रहे हैं, उनसे उनकी वजारतें लेके किसी और को दी जा रही हैं। अब इसके मुतालिक आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। महंगाई के हवाले से लास्ट में क्या कहेंगे? महंगाई कम करेंगे तो मुल्क ठीक रहेगा, खुशहाल रहेगा। मुल्क ठीक रहेगा और खुशहाल रहेगा, उस जानिब चलेंगे। आवाम का रश देख रहे हैं कि टॉप स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आवाम जो है वो रुक रहे हैं। तो गिल साहब, आपकी जब मुलाकात होती है मिनिस्टर से तो वो क्या कहते हैं गैस की कीमतों के हवाले से? जी, उन्होंने बेसिकली हमें ये बताया हुआ है कि जी हम तंदूर वाले को जो है वो रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो कब देंगे रिलीफ? जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था तकरीबन 4 माह पहले, उससे रिलीफ अभी तक हमें गैस वालों ने कोई नहीं दिया। इक्का दुक्का बिल वाले अगर कोई हैं तो उनको उनके साथ हो रहा है, लेकिन हमें बिलिंग बिल जो है वो डबल से त्रिपल आ रहा है। अच्छा, नान ले लिया आपने? जरा आगे आइएगा, नान दिखा रहे हैं कैमरे में। वजह ये 15 रुपए का नान दिया है। ओहो, इसको तो अब आप सजा लें, आप शोकेस में जाके तिल 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 भी बहुत ज्यादा लगवाया आपने। स्पेशल कुलचे तिल ने 300 रुपए किलो तिल, स्पेशल कुलचे है इसमें, उसने तिल कितने लगवाए हैं। अब तिल आपको पता है कितने महंगे हो चुके हैं, सोडा जो जरूरत है जिंदगी की हमारी तमाम अशिया है वो सब महंगी है। नान बनने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है उसको भी तो कंट्रोल करना है ना गवर्नमेंट ने, हमने सिर्फ नान बनाना है। अच्छा, आपकी मिनिस्टर से मुलाकात हुई, आपकी आला अहदेदारान से मुलाकात हुई, आपके बीच में मामला तय पा गए और नतीजा क्या निकला, नान महंगा हो गया? देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश ये कर रहा हूँ कि नान महंगा करना वो हमारी खुशी नहीं है, मजबूरी है आपके साथ, उम्मत की मजबूरी है महंगाई करना, आपकी मजबूरी है नान महंगा करना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, गैस आ नहीं रही, उसके बिल हमें आ रहे हैं और तीन तीन कहाँ जा रही है पाकिस्तान की सारी गैस, कहाँ जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। नाज़रीन, कुदरती गैस से माला माल, वसाइल से माला माल एक ऐसा मुल्क जहाँ जो जमीन के नीचे खुदा ने इस मुल्क को नेमत अता की है, मादनियात अता की है, नमक अता किया है, गैस अता की है, लेकिन ये चीजें जा कहाँ रही है, इसको हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग कहाँ पे है? जरा गिल साहब मुझे इजाजत दीजिए, आगे भी कुछ और लोग हैं, हम भी उनसे जान लेते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे भी नान और रोटी लग रही है लाहौरियों के लिए, जो नान है सुबह के नाश्ते में कितना जरूरी होता है? सब बहुत जरूरी होता है, सारी बात लाहौरियों की जरूरत है, ये नान की कमी पे और वही महंगा हो गया। क्या खरीदने वालों की के रश में कमी हुई? महंगा भी नहीं, खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कमी अपनी जेहन में डालो, इंसान की ये कमी है, महंगाई है, ये दुनिया जारी है, सभी कभी अप कभी डाउन होता रहता है इंसान। लेकिन जेब में तो पैसा उतना ही आ रहा है तनख्वाह की मद में, वो तो ज्यादा नहीं हुआ तो लोग तो परेशान होंगे। परेशानी अपनी जगह पे बेटा,
कहने का मकसद ये है कि हालात जो है हालात के हिसाब से चलना चाहिए, कभी महंगाई है कभी ऐसे होता है। महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने में क्या आपने कोई किरदार अदा किया? नहीं, मैं कोई किरदार अदा नहीं करना चाहता, मैं नॉर्मल ही माहौल में हूं। कोई किरदार नहीं, ठीक है। कैसे चल रहे चलने दे, दरवेश आदमी हैं आप? दरवेश नहीं बोलो, मैं इंसान हूँ और माहौल के हिसाब से चलता हूँ, जो माहौल है वैसे चलता हूँ। वैसे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी लोग हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि नान महंगा होने और रोटी महंगी होने के बाद आपने नान और रोटी खाना छोड़ी? नहीं छोड़ी तो नहीं, महंगाई है। उन्होंने जो वादे किए थे वो तो नहीं पूरे किए ना, एक वादा भी नहीं पूरा किया। वो तो आने से पहले कह रहा था हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, एक वादा भी नहीं पूरा किया। यहाँ पे एक माँ जी बैठी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जूतियाँ जुड़वाने आई हैं? जूते जुड़वाने आई? हाँ जी, जूतियाँ जुड़वाने आई। नई नई ली है, जुड़वा रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई। महंगाई हो गई, नहीं लेते अब? ऐसे नहीं लेते हैं, महंगाई बहुत हो गई। अच्छा, रोटी नान की कीमत, जो नान है उसकी कीमत में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ भी नहीं कहेंगी? खाती है नान शौक से? नान खाने शौक। कितने महंगे हुए? कितने महंगे? बहुत महंगे हो गए। और सब्जी, सब्जी लेने जाती हैं वो महंगी हुई? महंगी हो गई है सब्जी, महंगी हो गई। नाज़रीन, ये कॉमन मैन है, ये वो लोग हैं जो कि माशरे में सबसे ज्यादा तादाद इन लोगों की है, कॉमन लोग हैं ये लोग, और इनसे हम बात कर रहे थे। मदनी प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। गिल साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर भी हमारे साथ हैं। मदनी, आप ये बताइए, मैंने एक पॉइंट उठाया यहाँ पे, पाकिस्तान कुदरती गैस से मालामाल मुल्क, तो गैस कहाँ जा रही है? सब गैस जो है, सर्दियों में तो ठंडे पानी से नहाना पड़ता है शहरियों को, और गर्मियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, तो ये गैस कहाँ जा रही है? असल में जो कुदरती गैस, जो पाकिस्तान की कुदरती गैस है, वो सियासत की नज़र हो चुकी है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो कैपेसिटी है वो वही है, और कनेक्शन जो है वो ज़्यादा दे दिए गए हैं। अवामी नुमाइंदों ने जो है वो अपने आइंदा इंतखाबात के लिए जो है वो तमाम जो है ये सारे इकदाम किए कि ऐसी आबादियों पर भी जो है वो गैस की सहूलत दी गई, जो कि मतलब कि पहले से मौजूद नहीं थी। एक सबसे बड़ी बात ये, दूसरा ये है कि जो गैस का एक जो बहाना बनाकर जो है वो ये कहा गया कि जी नान महंगा करने के लिए और रोटी महंगी करने के लिए, 2 रुपए नहीं बनती थी, मतलब कि नान जो है वो 10 रुपए से 12 रुपए कर दिया गया। क्या आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, जो कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, पर्टिकुलरली जो खाने पीने की और जो गैस के बिलों में इजाफा हो रहा है, उस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सूबाई और वफाकी हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं? अच्छा, इसमें ये है क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो, चाहे वह हुकूमत के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हों, या वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब हो, या दिगर वज़रा वफाकी या सूबाई हों, उनका एक ही जो है वो मौक़िफ़ है कि जी खजाना खाली है। खजाना मिल गया है मुझे, टमाटर ये लें जी, ये पीले पीला पीला खजाना, कच्चा कच्चा खजाना मिल गया मदनी। अच्छा, ये टमाटर भी आप देख लें कि यही वो टमाटर है जिसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया कि जो है वो बहरान का शिकार हुआ। इस वक्त जो है वो करेले लगे हुए हैं, आप इनसे करेले की कीमत तो पूछिएगा कि कितने के। अच्छा जी, करेले का हम पूछ लेते हैं, कुछ सब्जी जो है उसके हवाले से भी आपको महंगाई के हवाले से बता लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 30 रुपीज 1 kg ओनली। ओनली, ये तो अच्छा है, 30 रुपीज कहाँ गए मदनी? कह रहे हैं 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए किलो है ये? 30 रुपए किलो का वो मेरा ख्याल में कोई मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर रहे, आपको सीरियस बता रहे हैं, 30 रुपए किलो है। इमरान खान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, मुल्क का बुरा नहीं कर रहा। 30 रुपए करेले, ये कैसे मुमकिन है? 70 रुपए तो आज सरकारी रेट लिस्ट में है, तो 30 रुपए सरकारी रेट को छोड़ो, तुम मेरे से 30 रुपए किलो लो। ये जो है इमरान खान साहब के कुछ जियाले हैं या कारकुन हैं, जिस कैमरे को देखते ही इनके करेले की कीमत 30 रुपए किलो हो चुकी है। नहीं है, इमरान खान के नाम पे पूरी रेडी शायद जो है वो 30 रुपए में भी देने को तैयार। इतने जियाले हैं आप? हाँ जी। इमरान खान साहब के नाम पर अपने टमाटर आप कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 80 रुपए किलो 80 रुपए किलो 80 रुपए किलो में दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो इन्हें 30 रुपए किलो करेला और 80 रुपए किलो टमाटर, साथ ही सब्जी की दुकान है, जरा इनसे भी जान लेते हैं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? जल्दी से मुझे बता दे करेले कितने रुपए किलो? करेले 120 रुपए किलो। इधर आप बुला लें, इधर इधर आइएगा। ये जो इमरान खान के जियाले थे वो 30 रुपए बेच रहे थे और ये 180 इनके साथ वाला बेच रहा है, तो ये जरा ये कहाँ से लेके आए हैं? ये भी वहाँ से लेके आए, हम भी वहाँ से लेके आए हैं, ये जबकि इमरान खान की हुकूमत आई। आपके जो करेले हैं वो सोने के हैं, इनके जो करेले हैं वो पीतल के हैं? वो भी ऐसे हैं, ये भी वैसे ही हैं, वो रेट गलत, ये गलत बता रहे हैं ना, जरा बताएं। ये इमरान खान की पर्सनैलिटी बता रहा।
एक मिनट नहीं लगता नाजीन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मौसूफ कह रहे थे कि मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। 55 थी, अब 75 हो गया, यानी इनको नजर आ रही। अब ये बताइए टमाटर किस तरह दिए? टमाटर 100 रुपए किलो। नाजीन ये थे यहाँ पर जो आलम था कि यहाँ पर फेवरेटिज्म भी होती है और इमरान खान साहब को लोग पसंद भी करते हैं और उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। चले जी मतनी, ये तो हो गया ना कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 30 रुपए करेला जो है वो कहीं नहीं मिल रहा। ये तो सिर्फ उन्होंने जो है वो आपको बताया है कि एक सियासी वाबस्तगी की वजह से 30 रुपए बता दिए। जो ज़मीनी हकायक हैं वो आपके सामने 120 रुपए किलो हैं करेले जो हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो तमाम सब्जियां जो हैं वो उनकी कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। अगर आज महंगाई का तनासुब किया जाए तो जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 30% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी हुई है। बेरोज़गारी में अभी इजाफा हो चुका हुआ है और महंगाई बढ़ने की जो वजह है वो डॉलर की कीमतों में इजाफा है। डॉलर की कीमतों में इजाफे के बाद तमाम अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तमाम जो है वो शेयर जरूर। आज की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि कुछ वजारतों को शफल किया जा रहा है, कुछ वजीरों को उनकी जो वजारतें हैं उनसे हटा के नए वजीर लगाए जाएंगे। ये इससे क्या आपको लगता है फर्क पड़ेगा? इससे मेरा नहीं ख्याल कि क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि हालात बहुत जो हैं वो ख़राब हैं, ख़जाना खाली है। तो क्या वजीर को तब्दील करने से या किसी वजीर की मिनिस्ट्री को तब्दील करने से ख़जाना भर जाएगा? ख़जाना तो नहीं भरेगा। असद उमर साहब एक बड़े मंझे हुए सियासतदान के तौर पर दावा किया गया था कि वजारत ख़जाना को 4 चांद लगा देंगे और 8 महीने बाद ही उनसे वो वजारत लेने की खबरें हम सुनते हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं और उनसे जो है वो डॉलर के लिए जो है वो गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें डॉलर दे दें ताकि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है, जो हमारा तजारती खसारा है, उसे किसी तरीके से जो है वो फिल किया जा सके। लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, ना सिर्फ डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, चावल की कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं, दालों की कीमतें बढ़ चुकी डॉलर की वजह से और जो तमाम चीज़ें, अब जब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, उसके साथ डीजल महंगा हो जाएगा, तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और लाहौरियों का भी नाश्ते का जो सिस्टम है, जो सिलसिला है, वो ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा बताइएगा नान की कीमत जो नया रेट है वो क्या है? 12 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। 12 रुपये हो गया जी? 12 रुपये हो गया। अच्छा बता सकते हैं महंगा क्यों? मैं बता सकता हूँ, गैस जो है वो डबल हो गई है, फैन जो है वो महंगा हो गया है, LPG चल रही है हमारी जी है आज में इस वक्त। तंदूर वाले बहुत मुश्किल में है। आखिरी हरबा ये है कि नान की कीमत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। नान की कीमत 15 से भी ज्यादा होनी चाहिए। 15 से ज्यादा होनी चाहिए। गरीब के साथ ज्यादती नहीं है? गरीब के साथ हम आम गरीब नहीं है, हमारे साथ ज्यादती नहीं है। कैसे ज्यादती है आपके साथ? ये आप देख लें, वो सिलेंडर चला रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000 का बिल है गैस का, सिलेंडर। कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है ना? कैसी लग रही है तब्दीली? तब्दीली आ गई है, 8-9 महीने से हम तो मर रहे हैं तंदूर वाले, हर गरीब आदमी मर रहे हैं। गर्मियों का सीजन तंदूर वालों के लिए पीक का सीजन होता है। आपका जो तंदूर है उसमें कारोबार माशाल्लाह बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब क्या सूरत हाल है? ये तंदूर का मालिक है। अच्छा। अब ये अफोर्ड नहीं कर रहा बंदों को, ये खुद पका रहा है, कारीगर की छुट्टी करवा दी है। आप खुद बना रहे? जी मैं खुद बना रहा हूँ, कारीगर को छुट्टी दे दी है मैंने, मेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं। क्या कह सकते हैं। चलें जी कस्टमर से भी बात करते हैं। अस्सलाम जी, क्या लेने आए हैं? मैं इधर काम कर रहा हूँ, स्कूल पे गार्ड हूँ जी। अच्छा, नहीं लेने क्या आए हैं? खाना खाने आए हैं? खाना खाने आया जी। सालिया खाना? हाँ जी। तो रोटी महंगी हो गई, सालन महंगा हो गया जी? महंगा हो गया। क्यों जी? हमारा 15,000 रुपए तनखा है, इसमें जो है खाना पीना बने कुछ नहीं बनते। आप आए कहाँ से रहते? समाज से। समाज से, तो जाहिर बात है आपने होटल से ही खाना खाना होगा। खाना सब कुछ होटल से खाना पड़ने का, बाहर जो ना नहीं बन सकते अपना। चले, कितनी महंगाई हो गई है इन 7-8 महीनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ? महंगाई हो गई है, आज से ज्यादा हो गई है। हमारा जो काम है ना, हम उसी तरह 30 का 40 का सालन देते हैं, इससे ज्यादा जो है ना गाह खाता ही नहीं है। अच्छा अंकल, इस बात में कितनी सदाकत है कि लाहौर खाने पीने का शहर है, यहाँ पर सब कारोबार बंद हो सकते हैं लेकिन खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं, होटल्स हैं, वो बंद नहीं हो सकते? देखो ना, 2 आदमी आते हैं वो 30-40 का सालन लेते हैं, तो वो 2 आदमी 3-4 सालन लेकर उसी में गुजारा करते हैं।
हमारी बचत जो है ना वो नहीं, खाने पीने भी में भी लोगों ने बचत करना शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल यही बात है। यहाँ पे लोग हैं अंदर जो अब दूर दराज के इलाकों से बिलोंग करते हैं और होटल में आते हैं खाना खाने के लिए। गिल साहब कुछ कह रहे हैं के लिए, आप जरा गैस पिन को ब्रीफ करें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सिलेंडर लगे हुए हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा, आप अपने कैमरामैन को दिखा सकते हैं, गैस नहीं आ रही है। बिलों के बारे में आपको वही सब अभी ब्रीफ करते हैं, बताइएगा। अच्छा सिलेंडर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करती हूँ दिखा दें कि होटल वाले भी सिलेंडर्स एलपीजी पे आ गए हैं और एलपीजी भी इसकी कीमतों को भी कंट्रोल नहीं किया गया अभी तक। एलपीजी के ऊपर भी मुतादित बर्तबा हमने प्रोग्राम किया, बताइएगा। असल में आपने पूछा था कि ये एक मुल्क है, इसमें गैस जो है कुदरती हमारी अपनी पैदावार है और कहाँ गई है। भाई ने कहा था कि सियासत की नज़र हो गई है, बाहर से जब गैस मंगाते हैं तो सियासतदान जो है वो अपना कमीशन तय कर लेते हैं, वो कमीशन की खातिर ही आवाम को मार रहे हैं। हमारे गैस के बिल जब बढ़े थे 4 महीने पहले तो वजीर पेट्रोलियम ने हमसे वादा किया कि हम आपका रेट दोबारा उसी राइट पे ले आएंगे जो पुराना है। ये मेरे पास ये इस मंथ का बिल है, अगर आप क्लियर करके दिखा सकें तो उस पर रेट 980 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। अब गैस की महंगाई इतनी हो गई है, बिल जो है अफोर्डेबल नहीं है। एक तंदूर वाला 60-70-80 हज़ार बिल कहाँ से पे करे। नान महंगा करना मजबूरी बन गई है और रोटी महंगी करनी भी। अभी आप कह रहे हैं मिनिस्टर से हमारी जो मीटिंग हुई है तो उनको हमने सिर्फ ये बताया कि रमजान के महीने आवाम को रिलीफ देने के लिए हमने रोटी का रेट 6 रुपए रखा है। ये 980 यूनिट है क्या है? जी यूनिट है ये 800 से 980 हो गए। और जस्ट अभी आपने पिछले दिनों खबरों में सुना होगा कि महंगाई गैस की रेट मजीद बढ़ाने की तरफ, यानी 980 के लिहाज से 18,000 से जायद का 58,000 बिल ये 58 पे गया है। 25-26 हज़ार आता था जो 58 पे चला था। 58,000 और 980 यूनिट फी यूनिट जो है वो 980 का यूनिट इनका बनाया गया है और 58,000 बिल आ रहा है नाजिन बिल आ रहा है जी, 1-1 लाख रुपए से ऊपर एक तंदूर वाले। ये रीजन बता रहे हैं जो नान भाई एसोसिएशन है, मुतहदा नान भाई एसोसिएशन के जो नान की कीमत है उसमें इजाफे की रीजन ये है कि गैस फी यूनिट जो इजाफा किया गया है वो इनकी पहुंच से बाहर है और आखिरी इनके लिए ऑप्शन यही है कि ये नान की कीमत बढ़ाएं। नाज़रीन रोटी भी अन करीब रेट बढ़ जाएगा। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों पे नोटिस किया जाए और उस पर रिलीफ दिया जाए। मुत्तहदा नान भाई एसोसिएशन के मुताबिक ये रोटी की कीमत भी बढ़ाने जा रहे हैं और इसके बगैर इनके बकौल गुजारा नहीं है। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। अब हम मौजूद हैं ब्रायलर की शॉप में। हमने आपको नान की कीमत इसके अलावा सब्जी की कीमत में इजाफे के बारे में आगाह किया है। ब्रायलर जो कि 24 घंटों के अंदर अंदर इसकी कीमत में 23 रुपए इजाफा हुआ है। पहले अगर हम 24 घंटे पहले की बात करें तो ब्रायलर की कीमत जो थी वो थी 258 रुपए यानी 258 रुपीस, और 24 घंटे के बाद इसकी कीमत 281 रुपए यानी 281 रुपीस हो चुकी है और ये ऑफिशियल रेट्स हैं जो कि आज ब्रायलर के हैं। हम यहाँ पे दुकान पे मौजूद हैं। कितने आप आज क्या दे रहे हैं ब्रायलर का जो रेट है? जी 270 रुपए 1 kg का रेट। ठीक है, ये क्या मकसद होता है कि जब सरकारी रेट जो है वो महंगा है आप उसको कम करके बेच रहे हैं? आज का सरकारी रेट 281 है और आप 270 बेच रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये देखे ना, कस्टमर नहीं आते, इतना रेट ज्यादा है, कस्टमर कैसे लेंगे? तो आप अपना नुकसान कर लेते हैं। नुकसान करना पड़ता है, अगर हमने भी अपने जो है बच्चों का के लिए रोजी कमानी होती है, इसलिए जो है रेट अगर थोड़ा सा सस्ता बेचेंगे तो हमारा जो है तो थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर दुकानदार सस्ता कर सकता है रेट तो जो रेट लिस्ट आ रही है सरकारी डीसी रेट लिस्ट आ रही है उसमें भी तो ब्रायलर 270 रुपए हो सकता है अगर ये 270 रुपए में बेचने पर आमादा है। नाज़रीन ये हकायक है, जमीनी हकायक। आइए आगे चलते हैं, मजीद भी हकायक से आपको आगाह करते हैं। कुछ कह रहे हैं आप? इमरान खान ने धोखा किया, धोखा दे के साडे को जीते, वो मैं नहीं जित सकता, ता जिंदगी नहीं जित सकता, इन्हें साढ़े नाल बहुत बड़ा धोखा किया है इमरान खान ने। हाँ जी, ना सब्जी रोटी जो हर शह महंगी कर दी है इन्हें। इन्हें क्या सी मैं मकान देवगा, सारा कुछ देवगा, मैं मुल्क ही मुफ्त दे देंगा। हूँ लोगों के आप झोलियाँ करता फिरता है, चकता फिरता है इमरान खान ने रहना नहीं इंशाल्लाह ताला। इमरान खान भुखा आदमी है, भुखा सिरे का भुखा आदमी है।
आप रक्षा चल आप क्या करते हैं सर? आपने बहुत ज्यादा सामान भी खरीदा है आज, तो ये पहले सस्ता आता था, अब सस्ता आता है? पहले सस्ता आता था, अब महंगा आ रहा है। अब महंगा आ रहा है, तब्दीली नहीं आई जी? तब्दीली कुछ भी नहीं आई। पहले ब्रेड थी ये मैं लेके जाता था 40 रुपए की, अब देखो 45 रुपए की है। ठीक है, ये बंद का पैकेट लेके 25 रुपए का, अब ये 30 रुपए का। हर चीज के ऊपर 5-5 रुपए, 10-10 रुपए हर चीज के ऊपर बढ़ गया। तो आपकी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ होगा? तनख्वाह में इस तरह इजाफा तो नहीं, जिस तरह महंगाई हो रही है इस तरह इजाफा तनख्वाह में नहीं। मैसेज देंगे हुकूमत वक्त को, पैगाम देंगे हुकूमत वक्त को? यही मैसेज देंगे कि देख ले गरीब आदमी है, ये सामान लेके जा रहा है, कम से कम 300 रुपए का सामान है जो पहले हम 150 रुपए में लेके जा रहे थे, अब उसमें डबल रेट पे चल गया। कम से कम चीजें सस्ती करनी चाहिए आवाम के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के एक पोश इलाके में मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हुई है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से, जो के मुशीर बराए वज़ीरे आला हैं उस्मान गुज़दार साहब के और प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां आप पहुंचते हैं वह दुकानें अपने दुकान वाले जो हैं वो अपनी दुकानें बंद करके भाग जाते हैं, ऐसा क्या है आप में? देखिए, हमने तो इस दफ़ा मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया। हमने पहले मिस्ट्री शॉपिंग की है, मिस्ट्री शॉपिंग के बाद फिज़िकल विज़िट कर रहे हैं और इसके बाद हमारे एसी जो हैं कैंट के और मजिस्ट्रेट जहां पे आ रहे हैं और वो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। आम लोगों को समझा दीजिए ये मिस्ट्री शॉपिंग होता क्या है? ये मिस्ट्री शॉपिंग ये है कि हमने एक फर्जी ग्राहक जो है घंटा पहले भेजा, इनसे इनकी बाकायदा इनवाइस ली और सामान इनसे खरीद के हमने अपनी गाड़ी में सामान भी रखा है, उसकी रसीद भी रखी है ताकि इन्हें इनकार करने की गुंजाइश ना हो। क्योंकि अगर हम इस तरह आते हैं तो ये फौरी तौर पर DCO की रेड लिस्ट जो है उसके मुताबिक बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमने उसका इलाज इनका तलाश कर लिया है ताकि कस्टमर को आगे पीछे भी। आपने एक मिस्ट्री शॉपर यहाँ पे भेजा जो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आया था, तो उसने क्या देखा, क्या पाया? उसने मिसाल के तौर पे, मैं आपको एक सामने सब्जी की दुकान है, उसने मूंगरे वहाँ से परचेज किए। मूंगरे 69 रुपीज DCO का रेट है, 65 रुपए से 69 रुपीज तक। वो अल्लाह माशाल्लाह सिर्फ 170 रुपए में बेच रहा है, माशाल्लाह सिर्फ 170 रुपए में बेच रहा है। देखिए, मैं आपके तवस्सुत से ये भी कहना चाहूँगा कि ये जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है वहाँ आवाम को भी ये सोचना है कि वो अगर इन लोगों को इलाके को मार्जिन भी दें तो 70 रुपए की चीज़ 80 रुपए में खरीद लें। सर, अगर ये 65 रुपीज की चीज़ 100 से ऊपर में बेच रहा है, सर ये मेरा फेलियर नहीं है चौधरी साहब, ये आपका फेलियर है? नहीं, मेरा फेलियर तो है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना है कि इसमें एक शख्स कितनी दुकानों को कितने दिन विजिट करेगा। ये आपको अगर इसे इस तरह से विजुलाइज करें कि हमारे अदारों की हालत क्या हो गई है, कि अदारे अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं रहे। लाहौर में गुज़श्ता 3 माह के बाद 14 तारीख को ये रेट लिस्ट जारी की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम फेलियर हैं या अदारे फेलियर हैं। बेसिकली अदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग ही कमज़ोर हो गई है, अदारे इन गुज़श्ता 38 सालों में तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। सर, आवाम का काम है आपको चुनना, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना गया है, अब आपका काम है इदारे ठीक करना। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ और अदारे तभी ठीक होंगे कि हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें और आपसे दरख्वास्त करें कि आप हमारे साथ इस जहाद में हिस्सा बने और अवेयरनेस का हिस्सा बने ताकि लोगों को अपने फ़राइज का और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। कैसे हम कैसे हाजिर हैं, हमारी खिदमात हाजिर है, क्या कर सकते हैं? देखिए, मेरी आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि जब भी वो ऐसी कोई चीज़ देखें जो सरकारी निरखों से ज़्यादा है। सर, रोज़ देखते हैं, अब बताइए सर, रोज़ देखते हैं, रोज़ की कहानी है। वो सिटीज़न पोर्टल पर डालें, हमने एग्जाम्पल सेट किया है कल कि DIG इन्वेस्टिगेशन जो एक रिपोर्ट सिटीज़न पोर्टल पर बार बार हो रही थी और वो अदारों की हालत का अंदाज़ा लगाए, वो उसकी फेक रिस्पॉन्ड कर रहा था कि मैंने ठीक कर दिया है, तो उस पर ना सिर्फ उसे मुअत्तल किया गया है, उसके नीचे के दोनों एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें भी सस्पेंड करके अगली कार्रवाई के लिए डाल दिया गया है। देखें, एक एक करके कतरा कतरा बन के दरिया बनेगा, अगर हम सब एहसास करने लगेंगे तो ये कोई 70 रुपए की चीज़ के 170 रुपए नहीं ले सकेगा। ये जिस दुकान पे भी आप खड़ी थी उधर, वहाँ से हमने लहसुन लिया 200 रुपए किलो और देसी लहसुन की कीमत है 100 रुपए। आप देखिए कि पूरे DHA में लोग 100% कम से कम 100% से 300% जायज़ नाजायज़ करके लोगों से मुनाफा वसूल कर रहे हैं और ना कोई क्वालिटी का फ़र्क है, ना उनके अखराजात पे फ़र्क है,
लेकिन वो कौम को लूट रहे हैं और मुझे अफसोस है कि मेरी आंखों के सामने भी लूटा जा रहा है। आपने लेकिन अफसोस नहीं करना ना, मैं काम कर रहा हूँ। मुझे तो आप लाहौर पंजाब की हर सड़क पे देखेंगी और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ और उसका नतीजा ये है मेरी आमद पर दुकानें बंद हैं। यानी ये अंदाजा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आज छुट्टी है, एतवार का रोज है, मगर आज पीर का रोज है और बेशतर दुकानें बंद हैं क्योंकि चौधरी अकरम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर गालिबन आप इस दुकान की बात कर रहे थे, बात कर रहा हूँ। अच्छा ये देखिए हमारे घर वाले भी हम जब बात करते हैं आपस में बैठ के टेबल टॉक करते हैं दफ्तर में होते हैं, बेशतर लोग ये कहते हैं कि जो प्राइस लिस्टें हैं वो दिखाने के लिए हैं। चौधरी अकरम साहब आपसे मुतअद्दिद मरतबा इस इशू पर बात हो चुकी है, आपने उस इशू पे क्या किया? जो प्राइस लिस्टें हैं, कंट्रोल लिस्टें मैं अपने बचपन से देख रही हूँ और आप भी गालिबन देख रहे हैं, पाकिस्तान में लाहौर शहर में पंजाब पूरे पंजाब में हर जगह हमें नजर आती हैं लेकिन दे आर यूजलेस। आपके सामने मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं है उन लिस्टों का। मैं तो समझता हूँ वो कौम का आपने एक पॉइंट किया था रेस कि ये लिस्टों के 20-20 रुपए वसूल करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ लिस्टों के नाम पर भी लोगों से भत्ता वसूल किया जा रहा था और अब मैं इस नतीजे पे पहुँच गया हूँ कि वो टेंडर हुई हुई है 5 रुपए पे, यानी कि वो मैक्सिमम 5 रुपए वसूल कर सकता है। तो लिहाजा बात यह है कि काम करने वाला भी बेईमान है और जो उसे 20-40 रुपए दे रहा है स्पीड मनी के नाम पर, उसका तो उसकी तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करता तो इसलिए मजबूरी है ना, हमें ईमानदारी का कल्चर फरोग देना चाहिए। नाज़रीन आपने चौधरी अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट खरीदता है 5 रुपए से ज्यादा आपने नहीं लेनी है और अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने आप को टैग दे रहे हैं बेईमान का। बिल्कुल ठीक है, अगर एक दुकानदार उन्हें ये पता है कि इस प्राइस लिस्ट की कीमत 5 रुपए है, अगर वो 5 रुपए से ज्यादा दे रहा है, उसके 40 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब है कि बेईमानी में हिस्सा डाल रहा है। और सिटीजन पोर्टल लोगों के लिए मौजूद है, हर दुकानदार के लिए, हर कस्टमर के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हमारा DIG गलत रिपोर्ट करेगा तो हम उसे भी सस्पेंड करेंगे। तो हमारा ये वादा है कि सिटीजन पोर्टल फौरी तौर पर वहाँ पहुँचेगा जहाँ पे ये लोग तवक्को करते हैं कि नतीजा निकलना चाहिए। इस दुकानदार को आपने जुर्माना किया है, इनका आपसे आमना सामना करवा लेते हैं। मजिस्ट्रेट और SC साहब को बुलाया है, वो अपने जब्ते की कार्रवाई करेंगे। ये दुकान को सिर्फ जुर्माना नहीं होना चाहिए, मेरे नजदीक से 1 माह के लिए सील और इन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। संगीन जुर्म क्या किया? संगीन जुर्म है। क्या किया इन्होंने संगीन जुर्म? 70 रुपए के मोंगरे 170 रुपए बेचे हैं। बताइए, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कौन साहब है? चौधरी मोहम्मद अकरम साहब है जो मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, इसके अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरपर्सन हैं। एक बात पूछें कि आज मंडी में मूंगरों का रेट क्या था? एक मंडी की लिस्ट भी नहीं दे दें जी, जरा निकाल के करना सर, लिस्ट को नहीं आप मेरे भाई, एक मिनट जरा सब्र के साथ बात करनी है अब तुमने, ठीक है? अब सब्र के साथ बात कर रही है, हम जो मंडी का रेट है ना वो 5 दुकानों के ऑक्शन से मुतय्यन करते हैं। एक मिनट सुन लो बात, 5 दुकानों से हम रेट लिस्ट मुतय्यन करते हैं और उन 5 दुकानों से मुतय्यन करने के बाद उसके ऊपर आपको 10% प्रॉफिट डालते हैं। सर मैं जो बात बता रहा हूँ, मंडी में आज रेट जो है मुंगरू का 600 रुपए के तड़ी था, ठीक है? आपने लगाया हुआ है 70 रुपए के, 65 रुपीज, ठीक है? तो मुझे बताएं कि हमने सेल क्या करनी है और बेचना क्या है? पुराना मसला है। पुराना मसला नहीं है मैडम, ये लिस्ट देखें, अब ये हकूक हासिल करने की बात है। वहाँ पे मार्केट कमेटी जो बनी है उनका बाकायदा एक ऑफिस होता है, जब इन लोगों को ये पता है कि अगर ये गलत नरखों पर बेचेंगे तो इनको जुर्माना होगा। अगर वो मार्केट कमेटी एक रेट जारी कर रही है तो वो ये फरमा रहे हैं कि जो आप रेट मुतय्यन करते हैं वो उनको वारा नहीं खाता। या तो हम जाकर वहाँ झगड़ा करें, ये सारा दिन यही करते रहें, या फिर हमें एक बंदा जो है वो दुकानदार, आपने तब्दीली लेकर आनी है तो थोक मार्केट में लेकर आए, दुकानदारों का क्या कसूर? मैडम ये इसको भी छोड़ दें, यही कह रहे हैं आप? इनसे पूछे टमाटर किस तरह बेच रहे हैं? 80 रुपए, 80 रुपए, ठीक है? इनसे पूछे ये क्या रेट है जी थोक का? थोक का रेट बोले 63 और 65 जी सर, ठीक है मैडम? ये 65 है और 65। आप ये बता दें जो रेट लिस्ट ये देके जाते हैं उस पे आप क्यों नहीं बेचते चीजें, बस एक रीजन बताएं ताकि जवाब ये दें। बात ये है कि ये देते हैं 3-4 रुपए मार्जिन, 5 रुपए मार्जिन, ठीक है? यहाँ कोई भी दुकान जो है DHA में, जो सच्ची बात है, कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिसका 40-50 हजार से कम किराया हो, ठीक है? कोई भी दुकान है, या तो सारी दुकानें यहाँ से खत्म करें,
ठीक, तो ये चार पाँच रुपए के मार्जिन से हम जो मजदूर है वो पाँच सौ रुपए दिहाड़ी 400 रुपए दिहाड़ी लगा ले। सर चौधरी साहब, आपको कसूरवार मैं इस दुकानदार को नहीं ठहराऊंगी। ये जो कहानी है ये पुरानी कहानी हो चुकी है, लड़ाई झगड़े इस पे मीडिया से बहुत बड़ा आवाज उठा चुकी। सर गर्मी में पूरी टीम प्रोडक्शन टीम के साथ फील्ड में आने का मकसद ये होता है कि आवाम की जो आवाज़ है वो पहुंचाई जा सके और जो बेहतरी है वो कम से कम बेहतरी लाने में हम अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन ये वो टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर मैं बेबस दिखाई देती हूँ, हजारों मर्दा प्रोग्राम कर चुकी हूँ। सर आपको ये चाहिए, जो अगर रेट लिस्ट आप दे रहे हैं या तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाइए या वो रेट लिस्ट देना बंद कर दीजिए। करवाएंगे और ये जिस दिन ये गिरफ्तार हो जाएगा ना उसके बाद ये महंगे मुंगरे नहीं लेके आएगा। देखे मैं भी आपको देखे एक मैंने मुंगरे महंगे लाए हैं मंडी में कसूर नहीं है ये, आपने रेट दिया वो कंट्रोल कर किसको पकड़ेंगे किस को बंद करेंगे, एक दरमियानी रास्ता निकालना होगा। रास्ता एक ही है कि हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर इसको अपनी गिरफ्तारी का खौफ होगा तो ये गलत निरखों पे परचेज नहीं करेगा। खौफ मैं तब करूँगा अगर मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत नहीं कर रहा। मैं या कारोबार करूं या सब कुछ बंद कर दूं, अपने बच्चों को भी बंद कर दूं, सब का फारिग कर दूं, यार ये काम नहीं करना। ये मैं 69 दूसरा 69 ये दे रहे हैं 120 मार वहां से मेरा, ठीक है। नहीं नहीं मैं सेल मैडम, अभी अगर हम एक मिनट इनके नुकता नज़र को सुन लेते हैं, आप कह रही हैं इनका नुकता नज़र सुन लें। 125 रुपये वो खुद मान रहा है, 125 भी नहीं बनते, 500 रुपये यानी 120 रुपये के करीब, 120 रुपये ये लेके आया और ये 170 बेच रहा है। तो आप मुझे मैडम ये बताइए, 169 है, ठीक है, आप मुझे बताएं मैडम कि ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया जो हैं क्या उन पे 50% मुनाफा होता है, ठीक है, क्या दुनिया में कोई कायदा कानून है कि आप 100 रुपये की चीज़ लेके 150 रुपये में बेचें। देखें यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम तैयार नहीं हैं इस बात पे काम करने के लिए। ठीक है, बहुत बड़े हैं, मुझे नहीं इतना पता। मुझे ये बताएं कि मैं अभी ये 60 रुपये चीनी सेल कर रहा था, ठीक है, ये मैंने अभी चीनी मंगवाई है, ये देखें 1600 रुपये गाड़ी वाले को किराया दिया है, ठीक है, 64 रुपीज़ मुझे चीनी मिली है, 64 मैं 60 बेच रहा हूँ इधर, अभी मेरे पास ख़त्म हुई है, मैंने मंगवाई है 64 रुपीज़ चीनी मिली है और गाड़ी वाले को 1600 रुपया किराया मैंने अलग से दिया है। इनकी मजबूरियां अलग हैं, आवाम की मजबूरियां अलग हैं। आपने देखा होगा कि जो चीज़ ये बेच रहे हैं जिस रेट पे बेच रहे हैं, आवाम तो खरीद रही थी, आवाम को रिलीफ देना है, कैसे देंगे। सर एक सेकेंड, अच्छा बात यह है कि पूरे शहर लाहौर में मनमाने रेट पे चीज़ें बिक रही हैं, रोज बिक रही हैं, बिला नागा बिक रही हैं। इदारों के होने के बावजूद और माजरत के साथ चौधरी साहब आपके होने के बावजूद रेट लिस्टों को कोई फॉलो नहीं कर रहा। नहीं मैडम, रेड लिस्ट को तो वाकई कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं मानते हैं आपके सामने ही मान रहा हूँ। सर फिर ये इदारों का होने का फायदा, रेड लिस्टों के बेचने का फायदा कह रही हैं, जब हमारे अदारे काम नहीं कर रहे थे तो ये ऐसा ही है। लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में माह रमज़ान जो है ना, एक माह जो होता है वो लोगों की खिदमत और अल्लाह के सामने सरपस्जूद होने के लिए होता है, और हमारे यहाँ 11 माह जो है ये और तरह काम करते हैं और उस एक माह में 300% कीमतें बढ़ा देते हैं। ये एक मिनट यार, एक मिनट भाई, आप बढ़ा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। मुझे अभी मैं एक पे गया, शक्के गंजर की चीनी 250 रुपए की 2 किलो बेची जा रही है, ये इन्होंने खुद कहा कि चीनी 64 रुपए है, ये लेके आए 64 रुपए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि उस स्टोर पे कौन सा कायदा करना आएगा, ठीक है, कि वो जो 60 रुपए की चीनी लेके 125 रुपए बेच रहा है और वो लाहौर का एक लीडिंग स्टोर है जिसकी 36 ब्रांचें हैं लाहौर में। तो बात ये है कि मैं जो महसूस करता हूँ, मैं तो ये जिहाद कर रहा हूँ, मैं तो मुझे चलिए आखिरी ब्रेक से पहले एक आखिरी पॉइंट सुन लीजिए चौधरी साहब, आप भी जिहाद करें गर्मी में, मैं कर रही हूँ आपके सामने, हमारा काम देखते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। सर बेहतरी नहीं आ रही, बेहतरी आ रही है, वो आपको इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते बाद मैं इसी DHA का विजिट करवाऊंगा। आप मेरे इसी मैंने आप जैसे आपके सामने लिस्टों को तस्लीम कर लिया ना कि वो 5 रुपए की है, मैं इंशाल्लाह आपको इसी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इनवाइट करूंगा और इंशाल्लाह आपको ये भी रेट लिस्ट पे बेचता महसूस होगा, क्रेडिट देना है ये आपको दूंगा। और अगर ये मूंगरे नहीं लेके आएगा, ठीक है, ये टमाटर लेकर 55 रुपए के ला के 70 रुपए के नहीं बेचेगा, ये 40 रुपए की कोई चीज ला के 140 की नहीं बेचेगा।
ठीक है, फिर मैं आपके साथ आके टाइमलाइन क्या है, मैं इसी 15 दिन मैं DHA की मार्केट्स को 15 दिन में रेगुलराइज करूंगा इंशाल्लाह। 15 दिन में DHA की मार्केट्स रेगुलराइज हो जाएंगी। और इसके अलावा चौधरी अकरम साहब ने जो प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैंने मुद्दा उठाया था रेट लिस्टों के हवाले से, वो भी 5 रुपए की बिकेंगी। नाजीन ये दिन हमने भी देखना है और आपने भी देखना है। काउंट डाउन शुरू कर दिया हमने, 15 दिन बाद दोबारा इसी पे हमने प्रोग्राम करना है। छोटी सी ब्रेक लेंगे और दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे, बहुत सारे मजीद मुद्दे उठाने हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, तो यहाँ पर हम शहर के पोश इलाके के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हैं, जहाँ पर हसीन सब्जी है, बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी सब्जी, लेकिन इनके रेट्स भी बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर चौधरी साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करूँगी कि आप यहाँ पे आए तो सही, कोई यहाँ पर आता भी नहीं और ये देखता भी नहीं कि पोश इलाकों के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जिस तरह से महंगी चीजें बेचते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना भी एक जिहाद है। मटर सर, मटर कितने रुपए? पहले आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ये DCO काउंटर के नाम पर इन्होंने एक वो लगाया हुआ है और इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। अच्छा। आप देख लें, आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा। और जिस तरह इनके रेट अवेजा किए गए हैं, इनके किसी के ऊपर रेट का टैग नहीं लगाया गया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। यानी अब हालत ये है कि अगर ये आलू 10 रुपए बेच रहे हैं तो मैं सवाल पूछूंगा लोगों से कि ये जो आलू 30 रुपए वो खरीद रहे हैं इसमें क्या फर्क है? क्या ये आलू हांडी में जाके इसी तरह पूरा मुंह में चला जाएगा, वो भी इसी तरह कटेगा? देखें, ये वो जुल्म हो रहा है। आपको पता चला शायद अभी कि ये सब्जी के काउंटर वाला 2 लाख रुपया किराया दे रहा है, और अब ये 2 लाख रुपए का मतलब है कि ये 2 लाख रुपया आवाम की जेबों से निकाला जा रहा है। डीसी रेट पे आलू की क्या कीमत है? 10 रुपए। और ये बेच रहे हैं 29 रुपए। और इस आलू में क्या वो चांदी का और ये सोने का है? नहीं, इस पे सोने का वर्क लगा हुआ है। हाँ, और उस पे जो है ना शायद पीतल का वर्क लगा हुआ है, और इसलिए क्योंकि ये खाने वाले और वो खाने वाले और ये खाने वाले वो हैं जो मेरी और आपकी तरह के 97% लोग हैं, और ये 3% लोग हमें नजर नहीं आते। सर मटर की बात करते हैं, ये मटर जो है अगर कैमरामैन ज़ूम इन करके दिखाए तो 145 रुपए इसका रेट है। और चौधरी अकरम साहब हमें रेट लिस्ट से बता दीजिए, मटर यहाँ पे कहीं करके लिखा है जो, क्योंकि मैं भी इसका मुताला करके आई हूँ, तो ये देखें 45 रुपए। अच्छा देखें, मैं अब आपको बताऊँ, ये आप मुझे होश उड़ा देने वाली चीजें हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 45 है और यहाँ 145। 200% फर्क मैडम। ये आज ऑक्शन हुआ 50 रुपए, 45 रुपए, 46 रुपए, और मैं समझता हूँ ये बड़ा स्टोर था, इन्हें 15% ज़्यादा लगा लेना चाहिए था। 45 के बजाय 60 रुपए लगा लेते तो शायद फ़र्क महसूस ना होता, लेकिन ये 145 रुपए की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ज़रा आइएगा, दुकानदार कहाँ पे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, इसमें से सीप के मोती निकलेंगे? ये जो रेट जहाँ पे लगा ना 145, ये आप DHA किसी भी स्टोर से कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह ये 15 से 20 रुपए सस्ता होगा। अच्छा। इसकी वजह कि हमने अपनी मार्केट के लिहाज से फिर भी रेट जो है वो कम रखे हुए हैं। इस क्वालिटी के मटर DCO रेट पे हमें मंडी वाले नहीं देते, क्योंकि मैं खुद परचेजिंग करने जाता हूँ। ये मैडम मैं आम सॉरी, यानी वहाँ पे मैंने आपकी बात मान ली थी मूंगरे की, क्योंकि मेरे इलम में नहीं था आज मूंगरे का रेट, इसलिए मैं खामोश रहा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मटर जो हैं 1890 रुपये से लेके 2100 रुपये ऑक्शन हुए हैं, तो वो रेट बनता है 40-45 रुपये। लेकिन इस बेचारे का कसूर ये है कि इसने 10,000 रुपये रोज़ स्टोर के मालकान को देना है, उसके बाद इसने 3 या 4 मुलाजम भी रखे होंगे और ये उनको तनख्वाहें भी देगा, तो इसने वो पैसे लोगों से देने हैं, लोगों पे जुल्म करना है इसने, और उस जुल्म जो है इसको ना आपने ये जुल्म छोड़ना है, आपने ये आवाम को इस जुल्म से निकालना है, क्या करेंगे आप? देखें, मैं तो इनके खिलाफ हतमी एक्शन के लिए अपनी प्रपोजल चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पेश कर रहा हूँ कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दें। और मैं आपके तवसल से भी ये कहना चाहूँगा, अगर ये डिस्क्रिमिनेशन ही रहनी है तो फिर यकीनन इन अदारों की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सोसाइटी को बेमहार छोड़ देना चाहिए, जिसका जो दिल करे वो कर ले।
तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तो हो रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। पुलिस को तस्लीम करता हूँ कि हमारी जिले इंतजामिया काम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है और वो 10 रुपए की चीज को 40 रुपए में बिकवा रही है, 45 की चीज को 145 रुपए में बिकवा रही है। मेरे लिए बायस शर्म और शर्मिंदगी है, मैं ऐलानिया तस्लीम करता हूँ कि ये मेरा भी फेलियर है। बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके इस बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए अब आपके पास क्या? हमारे पास कानून का रास्ता है और इंशाल्लाह ताला हम इस पर नए SOPs बना चुके हैं और मेरी चीफ मिनिस्टर से आज मुलाकात हो जाएगी और हम इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अभी क्या करके जा रहे हैं यहाँ से? अभी तो मजिस्ट्रेट और AC जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं मेरे जो शॉप जिन पर हम कर रहे हैं ऑपरेट, तो वो उसके बाद कानून के मुताबिक यहाँ पे जो सज़ा या जुर्माना है वो करेंगे। शॉप वाले भाई आप भी अपना कुछ बता सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए भी हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है। बात यह है कि जो भी चीज़ हम मंडी से खरीद कर लाते हैं ना वो तो DCO रेट पे मिलती नहीं है। मैं उनकी बात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं ना, आप DCO के लिए सब्जी के लिए मंडी भी तशरीफ लेके आए सुबह, बेशक मेरा नंबर ले लें, मैं खुद आपको विजिट करवा दूंगा। कौन सी मंडी से जाते हैं आप? बादामी बाग वाले 45 रुपीज में मटर वहाँ पर नहीं। गोल्डन मंडी जो है ना किसी खास इलाके में है जहाँ से ये लेके आते हैं, मंडी के अलावा सब्जी कहीं से नहीं मिलती। वो झूठ बोल के लोगों के लिए ड्रामाटाइजेशन कर रहे हैं कि मंडियों में फर्क होता है। कस्टमर हैं आप? कस्टमर हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ ये बेचारे दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, इन लोगों को जाना चाहिए मंडियों में, वहाँ जाके मुझे ये लेके दे दें 45 रुपए। मैं कस्टमर हूँ अपने, मैं खुद लेने, मैं इनको मान जाऊंगा, ये नहीं कि किसी गरीब को पकड़ के नहीं। मेरी बात सुने, मेरी भी बात सुन ले, नहीं मेरी भी बात सुन ले, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं सुबह आ जाता हूँ अपने बच्चों के साथ मंडी चले जाते हैं, वहाँ जाके आप टाइम रख ले, वहाँ जाके अगर ये मटर मिल जाए, सूखे मटर, सूखे सड़े मटर वो मिल सकते, कहाँ से लाए, किस मंडी से? उसी बादामी बाग में। फिर तो फिर मंडी से मिलेंगे आपको भी, लेकिन वहाँ उधर नहीं जाएंगे क्योंकि उधर बड़े बड़े आड़ती हैं, वो उनकी एक मीटिंग होती है, एक यूनियन है, वो ये उधर नहीं कर सकते इस तरह। ये अवाम है चोरों में, हम आपके साथ पूरे मीडिया के साथ मंडी की है और मंडी में फर्क निकलता है। ये जो सॉर्टिंग के नाम पर फर्क डालते हैं ना वो करते हैं, लेकिन मेरे भाई को अगर ये पता है कि ये 2 लाख रुपया इस 9 फुट जगह का किराया देता है तो ये भी इन्हीं से लेता है, वो ये मेरा कसूर नहीं है। वो तो देखो ना फिर DHA वाले कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा ये तो होता है, ये तो फर्क हर का काउंटर नहीं 2 लाख रुपया देता। इन्होंने आम रूटीन से तो महंगे देना ही देना क्योंकि इधर बैठे। अच्छा सर, अब आखिरी कमेंट भी आपने देना है, मदनी में हमारे साथ है, मदनी करियाना स्टोर हो, सब्जी की दुकान हो, सबको गिले शिकवे जो थोक का माल है, जो मंडी से आने वाली चीजें हैं उसमें ही सबको गिले शिकवे नजर आ रहे हैं और सब यही बयान कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं जो मंडी के जमीनी हकायक हैं वो क्या है? होल सेल कोई भी हो, चाहे वो फ्रूट मंडी हो, चाहे वो वेजिटेबल या सब्ज मंडी हो, या ग्रेन मंडी हो जिसमें अकबरी मंडी और दिगर जो है वो होल सेल की मार्केट्स आ जाती हैं, होल सेल पे इंतजामिया का कोई इख्तियार नहीं। सर हम ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट कमेटियों का एक मैकेनिज़्म है और वो सुबह 5-5 ऑक्शंस का रेट लेते हैं, उसमें 15% दुकानदार के लिए मुतय्यन करते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और ये ये नहीं हो रहा, मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन ये एक जाली फसाद बना दिया गया है मंडियों और रिटेलर के दरमियान। लेकिन असली बात ये है जो मैं आप लोगों को भी Day 1 से कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में मिडल मैन का जो करदार है, ये स्टोर जो है इसका मालिक और है, और उस मालिक ने इसको काउंटर को आगे किसी को दे दिया हुआ है और वो इससे 2 लाख रुपया किराया वसूल कर रहा है। अब देखिए ये 2 लाख रुपया उसने इसी 20-25-30-50 हज़ार की डेली सेल पर डाल रहे हैं, तो इसके निर्ख अल्टीमेटली बहुत बढ़ जाएंगे। वो बेचारा काउंटर वाला तो शायद मजबूर है, लेकिन हम दिया अभी एक ऐसे इलाके से भी सब्जी की दुकान से कीमतें पूछ के आए हैं जो कि इस रेट लिस्ट पे टैली नहीं कर रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये पोश इलाका है या ये पसमानदा इलाका है, मसला ये है इंसानियत नहीं है कहीं पे। अवाम को जो हकूमत की जानिब से एक रेट लिस्ट दी जाती है, क्या उस रेट लिस्ट पर अहलियाने लाहौर को यकीन है, एतमाद है? बिल्कुल भी नहीं है। टमाटर जो है वो जहाँ से हम पहले प्रोग्राम करके आए हैं वहाँ पे आपने देखा वो बता रहा था 80 रुपए किलो है, जबकि टमाटर की जो आज की कीमत है वो 80 रुपए नहीं है।
और इसी तरह उसने करेलों की कीमत जो है वो भी 120 रुपए किलो बताई, जबकि हालांकि उसने उस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत को भी बड़ा जो है वो खुशाइन करार दिया, उसके बावजूद आप देखें कि कहीं पे भी नहीं है। मदनी आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका बेहद शुक्रिया, वकार आपका बहुत शुक्रिया, और ये आपका मटर है आपकी नहीं। बात सिर्फ इतनी है, मैं सर के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे तकरीबन 28 साल उम्र हो गई है, 16 साल मुझे इस मंडी में काम करते हो गए हैं, जब भी रजिस्ट्रेड आता है या सर कोई भी आता है ना, हमारे फेवर में आज तक किसी ने बात नहीं की। मंडी में जाएं हमारे साथ, मैं आपको बंदे पकड़ाता हूँ जो बोली लगाते हैं, आप उनको कहें ना। एक्सेप्ट कर लीजिए अब आप अपना बड़ा महंगा है ये लिए। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन ये है कि अगर आप समनाबाद के सब्जी के स्टोर में चले जाएं या DHA के बड़े पोश इलाके के इस बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में आ जाएं, यकसानियत कहीं नहीं है, ये इदारों का फेलियर है। चौधरी साहब ने कुछ अर्सा कबल ही अपनी सीट संभाली है और ये हमें यकीन दहानी कराते हैं, चाहे दुकानदार हो, रिटेलर हो, थोक और सब्जी फरोश हो, या मंडियों में जाकर जो कीमतें हैं उनका तायुन करना हो, वो बेहतरी ज़रूर लाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा वक्त दरकार है। अलबत्ता अभी जो मटर हैं वो 145 रुपए ही बिक रहे हैं बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, ये इदारों का फेलियर है। अब चौधरी साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के सिटीज़न पोर्टल शिकायत सेल में जाके आपने शिकायत भी दर्ज करवानी है, आप वो शिकायत ज़रूर दर्ज करवाइए और देखते हैं कि कब जो अरसा दराज से ये मसला है सुलझेगा और तब्दीली आएगी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।